क्रियान्वयन बयान करेंगे, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुड, वेरी गुड। सो नाउ दिस टाइम स्टार्ट अवर प्रोग्राम विद पावरफुल स्पीच। सो आई वांट टू कॉल अपॉन स्टेज हर्ष तोमर क्लास 10। प्लीज कम अपॉन स्टेज हर्ष तोमर क्लास 10। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, चीफ गेस्ट, लवली टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू गिवन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद के नियम और कायदे होते हैं, जो देश के धर्म, विचारधारा, रहन सहन और जलवायु को देख कर बनाए जाते हैं, जिससे देश किसी एक दिशा में प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। जैसा कि हम सबको पता है, आज 26 जनवरी है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आज भारत के संविधान के मध्य में ही मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ, जैसे कि भारत का संविधान क्यों बना, कैसे बना, कब बना, किसने बनाया तथा इसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो बात करते हैं कि भारत का संविधान क्यों बना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत आज़ादी से पूर्व लगभग सारी विदेशी शक्तियों का गुलाम रहा, जहां सारी विदेशी शक्तियों ने आकर यहां पर अपने नियम अनुसार कार्य किए। जैसे कि भारत आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा, जहां ब्रिटिश सरकार अधिनियम के अनुसार नियम कार्य होते रहे। और अब हम बात करते हैं कि संविधान कब बना और क्यों बना। तो हमें पता है, भारत शुरुआत से ही बहुत एक आबादी वाला देश रहा है, और इस आबादी को किसी एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी था, जिस प्रकार हमारे लिए आज़ादी महत्वपूर्ण थी। तो बात है सन 1935 की, जब ब्रिटिश हुकूमत ने एक नए एक्ट का ऐलान किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम या फिर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम वैसे तो संघीय शासक का था, लेकिन इसके सारे मौलिक अधिकार गवर्नर के पास थे। जैसे ये सब जब भारतवासियों को पता चला, तो वो इसे सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई मौलिक अधिकार ही नहीं थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे बिना इंजन की मशीन कहकर भी घोषित संबोधित किया था। फिर उसके बाद सन 1945 में तेज प्रताप के अगुवाई में संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, लेकिन अभी तक भारत परतंत्र ही था और यह स्वतंत्र नहीं हो पाया था। तो फिर काफ़ी बलिदानों और संघर्षों के पूर्व हमारा भारत दिनांक 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब आज़ादी होने के बाद भारत का संविधान होना भी बहुत ज़रूरी था। तो फिर उसके बाद जब भारत का संविधान बनने की बात हुई, तो डॉक्टर संचिदानंद के अगुवाई में भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें काफ़ी सारी सुनवाई हुई, 186 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचित जातियों का अनिवेश हुआ, और इसमें काफ़ी संशोधन भी किए गए। अब बात करते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से 20 वर्ष पहले, यानी कि लगभग 17 वर्ष पहले, सन 1923 26 जनवरी को ही हमारे भारत में पूर्ण स्वराज का आंदोलन का अनुमित कर दिया गया था। तो 15 अगस्त को तो हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, तो इस महत्वपूर्ण दिवस को हमारे भारत का संविधान लागू हो गया। धन्यवाद। थैंक यू हर्ष फॉर वंडरफुल स्पीच। हर्ष ने संविधान की बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की, तो एक बार जोरदार ताली हर्ष के लिए एक बार और, ठीक है। तो आप संविधान के लिए कुछ लाइन है, तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी समय मिले तो मुझे पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ।
ठीक है। तो इसके साथ और भी कई सारे फैक्ट है, संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, संविधान सभा ने बड़ी विधिवत तरीके से इसको बनाया और कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान के बनने को देखा और संविधान पे कई लोगों ने अपने 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 जो कला में निपुण थे उसमें कला दिखाई, जैसे राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने उसका सजावट का कार्य किया, नंदलाल बोस ने उसको सजावट का कार्य किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको लिखा विधिवत तरीके से। तो ऐसे कई सारी प्रतिमूर्तियां रही भारत में जिन्होंने संविधान को अपनी अपनी कला के द्वारा निखारा, ठीक है। तो आप श्री राम बजरंगबली सबकी जय बोलते हैं, एक बार आज संविधान की पूरी ताकत के साथ जय घोष करेंगे, बोले भारत के संविधान की, भारत के संविधान की, भारत के संविधान की, ठीक है। आई वॉन्ट टू कॉल